वंस अगेन आई वेलकम यू बैक ऑन करियर काउच विद शुभांकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर हफ्ते हमारा इंतजार करते हैं और देखते रहते हैं करियर काउच विद शुभांकर। दोस्तों, ये कार्यक्रम धीमे धीमे पसंदीदा होता जा रहा है। कई बच्चे, कई पेरेंट्स हम लोग से कॉन्टैक्ट करते हैं, नए नए सुझाव देते हैं, अच्छा लगता है, कुछ अच्छे सुझाव भी आते हैं। पेरेंट्स का कहना है कि जो बच्चे अभी जो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम कुछ विशेष कार्यक्रम करें, तो आज का एपिसोड मैंने विशेष कर, क्योंकि दो चार सवाल पिछले हफ्ते इस प्रकार से आए थे कि आज हमने ये एपिसोड डिज़ाइन किया और अभी हम अपने गेस्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। पहला दोस्तों, मुझे एक बात पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आती कि जब हम कभी भी सोचते हैं हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने ये देखा अभी भी पेरेंट्स कुछ ऐसे प्रश्न लाते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो, मैं चाहता हूँ वो इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट था, अचानक मेरा बच्चा डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उधर से जो है उसका रुझान कम होता जा रहा है, अब अचानक बच्चा कुछ और सब्जेक्ट की तरफ रुझान दिखा रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो इसमें परेशानी की कोई बात होती नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, हाई स्कूल पास करने वाला जो बच्चा होता है वो अभी भी बच्चा ही है, उसे नहीं पता है, उसने कई प्रभाव में आके या कई चीजों से प्रभावित होके शायद आपकी बातों से भी वो अपने करियर की सिलेक्शन करने उतर पड़ता है। क्या आपने वाकई सोचा है कि आपका बच्चा वाकई इंजीनियर बनने के काबिल है कि नहीं, वो वाकई अंदर से चाहता है कि नहीं कि वो एक अच्छा इंजीनियर बने? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको फोर्स करते रहे इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को दोहरा रहा है? आपने कह दिया डॉक्टर बनना है तो वो भी कह रहा है कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं उसने वाकई सोचा ना हो? अब जब वो पढ़ने बैठा है तो उसको लग रहा है अरे नहीं मैं बायो नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं तो मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मुझे तो फिजिक्स नहीं आता, और वो बच्चे घबरा जाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि करियर काउंसलर का रोल जो है वो बहुत अहम होता है। प्लीज काउंसलिंग को छोटा ना समझे, अपने बच्चों के साथ एक अच्छे काउंसलर के पास जाएं, डिस्कस करें, चर्चा करें। खैर, जब बात हायर एजुकेशन की आती है तो हम आज का एपिसोड जो है हमने एक ऐसे एजुकेशनिस्ट को अपने स्टूडियो में बुलाया है जिनके साथ हम हर प्रकार की चर्चा करेंगे एजुकेशन के संदर्भ में। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी, जो कि लखनऊ में एक फेमस एजुकेशनिस्ट हैं, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं वो इनका नाम जरूर जानते होंगे। डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, कौन नहीं जानता, बहुत पुराना कॉलेज है यहाँ पे। उसके साथ साथ इनकी जो फेरिस्ट है, ये जो पोस्ट होल्ड करते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में और नेशनल बॉडीज में, उसकी फेरिस्त इतनी लंबी है कि मुझे बाकायदा अपने स्टूडियो से परमिशन लेना पड़ा कि मैं अपने मोबाइल से पढ़ के आपको बता सकूँ। तो खैर, द लिस्ट रन्स लॉन्ग, तो प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी। तो मैं थोड़ा थोड़ा शुरू करता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप अभ्युदय योजना फ्री सिविल सर्विसेज कोचिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट कमिटी मेंबर हैं केंद्रीय विद्यालय लखनऊ की, चेयरपर्सन रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन AGDC लखनऊ की, वाइस चेयरपर्सन हैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की, सेक्रेटरी जनरल एंड फाउंडर एलायंस फ्रेंचाइज डी लखनऊ, कोऑर्डिनेटर अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, एकेडमिक काउंसलर रही हैं MARD इंदिरा गांधी अगेन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, एंड एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन फॉर एकेडमिक काउंसिल NAC IQAC इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च कमेटी। दोस्तों, फेरिस और भी लंबी है लेकिन मैं यहीं पे इसको अल्प विराम देता हूं, बाकी मैं चाहूंगा कि डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी अपने विषय में खुद बताएं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में करियर काउच में शुभांकर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, फेरिस्त इतनी लंबी, इतना लंबा एक्सपीरियंस, ये जो स्टार्टिंग हुई होगी आपकी, मैं ये सोचता हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या मतलब पहले ही पैदा करते ही होता नहीं, कहते हैं कि बच्चे के पाँव जो पालने में छलकते हैं, तो कैसा था आपका बचपन? मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ मैं आज हूँ, नेचुरली सभी का इसमें पेरेंट्स का ही कंट्रीब्यूशन है और ऐसा ही मेरे साथ भी रहा।
मेरे फादर प्रिंसिपल थे एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, और उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में उनको एज प्रोफेसर उन्होंने छोड़ किया, और फिर वो बलरामपुर में एक एम एल के डिग्री कॉलेज बलरामपुर है उसके प्रिंसिपल होके वो वहाँ आ गए। तो और हमारे अंकल्स, हमारी दादी, हमारी बुआ, सभी सब लोग उस समय आपको मतलब मैं दादी वॉज अ राइटर, वो लिखती थी, कविताएं लिखती थी, और जबकि उनको एक मौलवी साहब और एक पंडित जी पर्दे के पीछे से पढ़ाते थे, बट शी वॉज अ राइटर। एंड 1975 में उन्होंने मुझे एक किताब अपनी लिखी हुई सभी बच्चों को हम लोग को गिफ्ट की थी, जो कि दादी की कहानियाँ करके। तो बुआ हमारी बहुत अच्छी कवियत्री है, हमारे घर में बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, एकेडमिशंस हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका थोड़ा सा अंश मुझ में भी आया, और आई एम ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड विद सच अ वंडरफुल फैमिली, और मेरा बस उन्हीं सबका आशीर्वाद है, और जो कुछ हूँ मैं सब उनकी वजह से। यानी आप देखा जाए तो माता सरस्वती की फैमिली से हैं डायरेक्टली, तो इतना ज़्यादा एजुकेशन, चारों तरफ शिक्षा फैला हुआ। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत तो शरारती भी रही होंगे? कुछ पता नहीं, हाँ शरारती मैं नहीं कहूँगी अपने आप को, पता नहीं, क्योंकि मैं अपनी परिवार में, अपने खानदान में मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक कहना बताना चाहूँगी कि 12 साल की उम्र में मेरी माँ नहीं रही, वो चली गई, उनकी उनकी डेथ हो गई थी। तो एक जो बचपन था वो 12 साल तक शायद रहा, उसके बाद हमको, हम लोग सब अचानक बड़े हो गए, और हमारे बड़े भाई बहनों ने हमको बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई क्योंकि पिताजी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम लोगों की। तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जिससे कि वो कभी परेशान हो, तो जीवन में बस ये था कि वो खुश रहें और उनके लिए हम लोग, ऐसा ऐसी कभी कोई मैंने ऐसी शैतानी नहीं करी जिसको मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये शैतानी करी, और इन्जॉय किया चाइल्डहुड, बहुत इन्जॉय किया, बहुत खूबसूरत था क्योंकि वो जगह, वहाँ के लोग, एक बलरामपुर बहुत छोटा शहर था, अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया उस समय तो, लेकिन बहुत रॉयल तरीके से हम लोग वहाँ पर रहे, बड़ा प्यार, बहुत सम्मान मिला हम लोगों को, तो बस एक बहुत ही अच्छा माहौल था। ये हम कहेंगे हमारे घर में महादेवी वर्मा जी भी आ चुकी हैं, नीरज भी आ चुके हैं, केडी सिंह बाबू भी खेलने बलरामपुर हमारे पिताजी ने बुलाया था, तो मुशायरे, कवि सम्मेलन, स्पोर्ट्स, जो भी हो सकता था उन सब चीज़ों को हमने सामने देखा है, अपने अपने हाथ से बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है, छोटी 10 साल की थी लेकिन बहुत सारा कुछ देखा, और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम अब बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा आपके रगों में बसा हुआ है, आपने खुद बताया आपके पेरेंटल एक कहना चाहिए आपके ब्लड लाइन में चला रहा है शिक्षा। मैम एक बात जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे कोई भी अगर शिक्षाविद आते हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ, जो होलसम एजुकेशन कहा जाता है, एक संपूर्ण शिक्षा, इसकी वास्तविकता क्या है? देखिए जहाँ आप, जब आप संपूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नर्सरी से लेकर बच्चा जब पहला स्टेप स्कूल में लेता है, वहाँ पर उनको एक अच्छा जब माहौल मिलता है, और वहाँ पर एक बच्चे का मन हो वहाँ जाने का, और खुशी खुशी वहाँ जाए, इसलिए नहीं जाए कि उसको वहाँ खाना मिल रहा है खाने को, या उसको उसको एक अच्छा टीचर मिले, एक अच्छा माहौल मिले, एक तो वहीं से हमारी शुरुआत शिक्षा की बेसिकली होती है, क्लास नर्सरी से, जब पहला कदम बच्चा वहाँ रखता है, और जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, तो उसमें से हम आप सब जानते हैं कि बहुत से हमारे देश में बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं, बहुत से ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने फील्ड में एक्सेल किया, बिल्कुल, बहुत एक्सेल किया। अगर अच्छा गाते हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको एक सपोर्ट मिला, वो स्कूल से भी सपोर्ट मिला, और उनको और पेरेंटल भी सपोर्ट मिला। तो हर एक बच्चे का एक अपना कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को समझने की ज़रूरत होती है और उसको ग्रूम करने की ज़रूरत होती है। हर समय ये नहीं कि आपको इतने घंटे बैठ के पढ़ना ही है, एक मशीन की तरह से पढ़ाई जो होती है वो बच्चों को पढ़ाई से डिटैच कर देती है, और वो चाहे, और वो बच्चा जो डेवलप करता है इंटरेस्ट, वो स्कूल डेज में ही कर लेता है, जितनी पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट होना होता है वो स्कूल डेज में ही हो जाता है। ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई तो फिर एक कंपलसरी एक रूटीन है जो कि उनको करना होता है, और एक उनको एक आइडिया हो जाता है कि नाउ व्हाट आई कैन डू, आगे हम क्या कर सकते हैं, वो ये सोच लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से हायर एजुकेशन की पढ़ाई
करते हैं। कभी कभी हायर एजुकेशन में भी ये प्रॉब्लम आती है कि उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो ये हम सब टीचर्स का काम होता है। हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं अपने क्लास में, हम सब टीचर्स एक तरीके से उनके करियर काउंसलर भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं एक तरीके से। वो हमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमारे अंदर हमसे बात करके अपनी बहुत सारी पर्सनल और कॉलेज की जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो सब डिस्कस करते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट का रैपो ऐसा होना चाहिए कि आपको वो माँ का दर्जा दे पाए, वो आपसे सब कुछ कह पाए जो वो कह सकता है, तब तो मज़ा है पढ़ाने का। अगर वो आपसे बेनतहा डरता है या आपको बेनतहा आपको पसंद नहीं करता है या एक, तो फिर कोई मकसद नहीं है पढ़ाने का। जो मकसद है वो ये है कि आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाएं और उसकी हर एक बात को समझ पाएं, उसकी हर एक ज़रूरत को समझ पाएं। मैम, आपने हमारी पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उसको भी देखा है, कई तब्दीलियां उसके बाद आती चली गई, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है, उसके दरमियान और भी कई बदलाव अभी आने को हैं। आपको क्या लगता है, एक ये बात हमारे मन में हमेशा खटकती रही, ये प्रश्न कई बार हमारे चैनल पर भी उठा है कि अगर पुराना, अगर हमारा एजुकेशन प्रणाली, हमारा जो पुराना जो शिक्षा प्रणाली था, एजुकेशन सिस्टम था, वो अगर इतना खराब था तो एक समय ऐसा था, एक दशक ऐसा था जबकि नासा जैसे संस्थाओं में 72% के ऊपर भारतीय नागरिक होते थे। आज के दिन में ये जो रेशियो, ये जो परसेंटेज है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। बाहर के संस्थाओं में भारतीयों की जो अपनी जो प्रतिस्पर्धा थी, वहां पे जो हमारे जो आंकड़े थे, वो आज के दिन में थोड़े गिरते जा रहे हैं। अब एनईपी आ भी चुका है, कई चीजें नई लागू हो रही हैं, जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जो बुक्स लाए जा रहे हैं, जो कंपटीशन हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वहां पे कंपटीशन में हम धीमे धीमे उसमें कमी ला रहे हैं, रिलैक्सेशन ला रहे हैं। पहले के दरमियान में आप लोग खुद कहते हैं कि भाई पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, जिस तरीके से जो इनडेप्थ स्टडी होती थी वो कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है, बुक धीमे धीमे पतले होते चले जा रहे हैं, इनडेप्थ रिसर्च वर्क पर हम लोग कहते तो हैं रिसर्च वर्क पर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कंपटीशन का जो लेवल है, बच्चे जितने ज़्यादा हैं इजीली पास करने की बात आ जाती है। हमारे मिनिस्टर्स खुद कहते हैं कि नहीं भाई अभी जो है और रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्या आप ये जो कंपटीशन को कम करने से, इससे आप वाकई डू यू अग्री विद दैट? देखिए, आपने दो तीन चीज़ें कहीं जो मैं बराबर सुन रही थी। एक आपने कहा कि जो रेशियो है, पहले साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा जाते थे, अब साइंटिस्ट कम हैं। अभी क्या है, करियर ऑप्शंस बहुत हैं बच्चों के पास, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले एक सेट पैटर्न था, एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और आपको आईएएस बनना है, और अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप टीचर बनना है आपको, तो ये एक सेट पैटर्न था। उसके अलावा बच्चों को सक्सेसफुल माना ही नहीं जाता था। कोई बच्चा कहे हम बहुत अच्छा पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं तो बहुत कम एमएफ हुसैन पैदा हुए। कोई कहता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं तो बहुत, उस समय अब की बात तो चेंज हो गया, अब तो बहुत फ़र्क हो गया है, उस समय बहुत कम लता मंगेशकर जैसी महिलाएँ हुई, या उस समय हम कहें तो बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई क्योंकि वो, लेकिन अब का जो सिनेरियो है वो बहुत चेंज हो चुका है और इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं और बच्चे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म्स हैं। नहीं, ईजिली तो हम नहीं कहेंगे ये नहीं कहेंगे कि कोई चीज़ ईजिली कभी मिलती है, नहीं। अगर आपको प्लेटफॉर्म ज़्यादा है और आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ में मास्टरी कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज कर सकते हैं और आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको कोई नौकरी नहीं देता तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना छोटा सा एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसमें आप, मेहनत हर जगह है, मेहनत आप करेंगे तो आप जो भी चाहेंगे वो आगे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चॉइसेस बहुत हैं। तो और जहाँ तक आप, एक दूसरी बात आपने ये कही कि जो पहले के जो वो बेहतर था और अभी जो है वो कम हो गया है, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे टीचर हुआ करते थे, हम कभी भी ये नहीं जानते थे कि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। मतलब जो ये आप इतनी बड़ी आप लिस्ट लेके हमारी बैठे हुए हैं कि ये डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी ने ये किया, हम लोगों को नहीं पता होता था कि हमारे फैकल्टी ने, हमारे वाइस चांसलर के कितने अचीवमेंट्स हैं। कहीं ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास रेडियो या टेलीविजन पे ये नहीं बताया जाता था कि आपका टीचर इतना क्वालिफाइड है। उसकी क्वालिफिकेशन उसके पढ़ाने से होती थी, उसके पढ़ाने के तरीके से होती थी और उसकी लिखी हुई किताबों से होती थी। तो बहुत विद्वान थे। और अभी जो है वो थोड़ा सा चेंज इसमें ये आया है कि एक प्रोफेशनल लेवल पे हम ये कहेंगे कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं,
कि आप आपके थोड़ा सा मैं माफ करिएगा मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने इस बात को जिस संदर्भ में कही थी कि कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं। अभी जब मैंने ये प्रोग्राम जब शुरुआत की तो मैंने बताया था कि कुछ पेरेंट्स का अभी भी हमारे पास इसके कई क्वेरीज आते हैं, इस प्रकार के कंसर्न्स आते हैं कि बच्चे जो हैं वो पहले इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, अचानक जो है उनका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डगमगाने लग गया और पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, पेरेंट्स मन बना लेते हैं कि नहीं बच्चे को पढ़ाना है उसके, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है ना वही इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से रिलेटेड। तो क्या आर्ट्स सब्जेक्ट में इतनी कमियां हैं? आज कोई बच्चा अगर आर्ट्स ले लेता है तो पेरेंट्स इतने घबरा क्यों जाते हैं, इतने मायूस क्यों हो जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो क्योंकि वो पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपना एक तरीके से कहना चाहिए दिमाग को ब्रॉडन नहीं किया है, अपना दिमाग खोला नहीं है। उनको बहुत से पेरेंट्स को समझ ही नहीं आती हैं क्योंकि उनके ज़माने में वो चीज़ें नहीं थी, इसलिए अब वो सोचते हैं कि अभी भी वही डॉक्टर इंजीनियर और वही चीज़ें अच्छी हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना बताती हूँ। मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, मेरा घर में सब बहुत सारे हमारे परिवार में सदस्य जो हैं वो IAS हैं, इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, सब हैं, टीचर्स हैं, सब हर प्रोफेशन के लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे बच्चे, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैंने कभी अपने बच्चों को दोनों को फोर्स नहीं किया कि तुम क्या सब्जेक्ट लो, तुम क्या करियर चूज़ करो, एकदम पूरी फ्रीडम दी। और मैं बहुत बहुत, मुझे इस बात पे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी आज 11 कंट्रीज़ घूम चुकी है और बहुत नाम कमा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा बेटा सिंपल अभी 24 साल का है बच्चा, और अभी वो इसराइल से होके आया, उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कंपनी ने उसको वहाँ भेजा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑफ कोर्स कॉमर्स एंड आर्ट्स, मेरी बेटी ने यहीं लोरेटो से पढ़ाई की और फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई थी, बेटा ने कॉमर्स किया। तो सिंपल पढ़ाई करी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल। और मुझे लोगों को लगता होगा या जो भी सोचते होंगे कि इंजीनियर नहीं कर रहा या मेडिकल नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जो आपने कहा कि मेडिकल और इंजीनियर के बारे में, अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, उसमें से निकले हुए बच्चों को तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। और जो छोटे 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 कई सारे कहने से बी हाइव जैसे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, उसमें बेचारे बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर से वहाँ एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं तो उनको अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं। और हर एक बैकग्राउंड से बच्चा आता है तो उसकी इकोनॉमिक और उसकी मेंटल स्टेटस को समझते हुए उसको हमको एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करना चाहिए। बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद है लेकिन हम फोर्स करते हैं मैथ्स पढ़ो, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ्स करके वो बन गया क्या कह रहे हैं, वो अपना मूवी बना रहा है वो या न्यूज़ चैनल बना रहा है, वो उसका न्यूज़ चैनल है, उसको मैथ्स की जरूरत ही नहीं थी, उसको नहीं मैंने देखा है IIT करके निकलते हैं और उसके बाद जो है बैंकिंग सेगमेंट में चले गए, तो बैंकिंग करना था, फिर वही बात है। हाँ। कई मूवीज में ये प्रश्न पूछ लिया गया है और उसको लेकर तब हम लोग बहुत मजा लेते हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग खुद ये बात नहीं सोचते हैं। लेकिन मैम एक बात और, तो मैम अभी जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत मशरूमिंग हो रही है, हालांकि मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि अभी भी कम से कम 16-17 लाख बच्चे हर साल इसके एस्पिरेंट जो हैं एग्जामिनेशंस में बैठते हैं और उसके बावजूद से 2-3% होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, तो सीट्स कितनी भारी कमी है। लेकिन सवाल ये है कि इतने लाखों की तादाद के बच्चे इसमें तो बैठते हैं, क्या उनको दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता है, या उसकी तरफ वो तब सोचेंगे जब वो कंटिन्यूसली ट्राई करते 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 कहीं ना कहीं पर जब डिसअपॉइंटमेंट आता है तब वो आर्ट्स की तरफ भागते हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की भी जानकारी और उससे जुड़े हुए जो करियर की जानकारी उनके पास मौजूद हो? बिल्कुल, क्योंकि ज्योग्राफी की बात आती है उनके दिमाग में आता है कि टीचर बनेंगे, थोड़ी सी बात इसके ऊपर बताएं। नहीं, इसमें सबसे बड़ा रोल फिर हम कहेंगे कि स्कूल्स प्ले करते हैं जी। अगर स्कूल में एक ज्योग्राफी का अच्छा टीचर है और वो शुरू से, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है कि ज्योग्राफी सिर्फ लिमिटेड है हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से, फिजियोग्राफिकल रिलीफ फीचर से है, जैसे नदी, पहाड़, झरने, शहर जी, कॉन्ट्रास्ट फॉर्मिंग कर रहे हैं, सर्वे शीट बना रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा गाइडेंस ये मिले कि अभी तुम ये पढ़ रहे हो क्योंकि ये बेसिक ABCD है ज्योग्राफी का, इसके बाद तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन हैं, तो जो ऑप्शन बहुत हैं उनमें हम आपको बताते हैं कि क्योंकि इसके थ्रू उन बच्चों को भी पता चलेगा और जो बच्चे जिनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है उन सबको मालूम ही है।
मेरी खुद की स्टूडेंट नासा तक जा चुकी है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में उसने मास्टर्स किया और वो नासा तक जा चुकी है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जहाँ से स्पेशलाइज बच्चे करते हैं, और GIS है, रिमोट सेंसिंग है, GPS, इन सब का इसमें स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, प्लस जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेके IAS या IPS इस तरह का एग्जाम देते हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें हम आसानी से पढ़ लेंगे। तो वो क्यों उनको लगता है, क्योंकि वो उनकी रोज़मर्रा उसमें बहुत, ज्योग्राफी जो है बिल्कुल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें आप कुछ लिटरेचर की तरह कुछ भी नहीं बोल, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा कहेंगे कि जो कि एक खूबसूरत चीज़ है तो उसको आपने खूबसूरती से डिस्क्राइब कर दिया, ऐसा नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आपको बताना है। तो जब अगर स्कूल में ये बात बताई जाए कि तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में ये ऐसा करने के बाद तुम इससे ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद तुम ये ज्योग्राफी में कर सकते हो, तब तो बच्चे को मजा आएगा पढ़ने में कि हाँ ज्योग्राफी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ग्रेजुएशन करने के बाद इन इन करियर ऑप्शंस को हम ऑप्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम मास्टर्स करेंगे तो ये करियर ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, सही बात है। फिर हमारे पास ये फील्ड्स हैं जिसमें हम स्पेशलाइज करेंगे, जैसे कि हमारा, हमने आपको बताया कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हमारी स्टूडेंट ने किया जी। या इन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में किया, मैप मेकिंग में किया, कार्टोग्राफी में स्पेशलाइज करते हैं बच्चे जो आर्ट और ड्राइंग में जो अच्छे होते हैं, फिर बहुत सारे एनजीओज में चले जाते हैं, बहुत सारे प्लानिंग सेक्टर में चले जाते हैं, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग और पॉलिसी सेक्टर होते हैं उसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चर बहुत सारे तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को की जरूरत होती है जो ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड की बातें जाने और ग्राउंड लेवल पे बात कर सकें, तो चाहे वो सर्वे की बात हो, चाहे वो टेक्निकल आस्पेक्ट हो, चाहे वो सेकेंड हैंड सर्वे, आप प्राइमरी सर्वे कर रहे हैं या सेकेंडरी सर्वे कर रहे हैं, इस तरह के जो आप सर्वेस कर रहे हैं उसमें आपको जरूरत होती है, तो है बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन उनको पता नहीं चल पाते, पता नहीं चलता क्योंकि टीचर नहीं बताता है। अब मैम, टीचर अगर बताएगा तो कार्यक्रम हमारा बहुत छोटा सा है, लेकिन उस दरमियान में भी हम थोड़े थोड़े आपके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जगह आपने NAC के विषय में, आपके उसमें था, आप उसके काउंसिल की मेंबर भी हैं एंड शायद एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन भी रहे हैं। मैं IQAC की कोऑर्डिनेटर, स्टिल हैंडलिंग इट। मैम, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो NAC एक्रेडिटेशन के बारे में इतनी बातचीत होती है, हर यूनिवर्सिटी अपने आप को NAC एक्रेडिटेशन के बारे में दिखाना चाहता है, उसको हाईलाइट करता है, what actually is NAC accreditation and how important it is for the university? It is very extremely important because all the grants which government is giving us, it is giving us on the basis of NAC accreditation. Agar hamare paas NAC ke acche grades hain kisi bhi institution ke paas, to usko government se aid aur achhi milti hain aur hum us infrastructure ko aur acha bana sakte hain. To pehle to jo hamara NAC ka form hai wo acha khasa difficult form hai, usko bharna hai, uski sari jo levels hain unko pura karna hai, pura करने के बाद आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई आपके में ये कमियां, इन कमियों को फुलफिल कर लीजिए, फिर आप दोबारा से अप्लाई करिए, या अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फिर वो उस पर असेसमेंट करते हैं और वो आपको उससे ग्रेडिंग दे देते हैं। तो उसमें डेफिनेटली हर एक, अगर आप NAC के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का फ्रॉम स्टूडेंट लेवल टू आप एम्प्लॉयज सबका अपग्रेडेशन करना है, आपको अपने इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करना है, हर चीज पे आपको ध्यान देना है। और भी कई अपग्रेडेशन आजकल उसके साथ बन गई हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ये जब वो लोग प्रमोशन पे आते हैं, अभी जैसे एडमिशन का टाइम चल रहा है और लखनऊ की अगर पूरी सड़कें देख लें तो सब पट्टी पड़ी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के और यूनिवर्सिटीज के एडवर्टीजमेंट से, उन सब में अलग अलग एक्रेडिटेशन। तो और कौन कौन सी इतनी एक्रेडिटेशन है जो आपको लगता है वाकई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटीज टू गेट इट? देखिए, UGC ने जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो है हमारे NAC के एक्रेडिटेशन, उसमें ग्रेड्स हैं, सी ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, इस तरह से ग्रेड्स है, बी प्लस है, ए प्लस है, तो आपका इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें NAC में ही लगती है कि वो एक्चुअल आके ग्राउंड सर्वे करते हैं, वो आते हैं, उनकी टीम आती है और ग्राउंड रियलिटी देखती है, वो देखती है कि बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जो काम कर रहे हैं जितने लोग, चाहे वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हों या आपका एकेडमिक स्टाफ है या जो भी, उनसे आके पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं और उनसे असलियत पूछते हैं, क्योंकि हम कभी भी हम भर के तो भेज दिया हमने, उसमें कितनी सच्चाई है वो खुद आके उसको असेस करते हैं और देखते हैं। तो बच्चे कैसे करके, मैम, बच्चों का फीडबैक, फीडबैक, नहीं तो बच्चों को क्या, जिस समय वो एडमिशन्स के
लिए यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं, उनको मेन अक्रेडिटेशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल हर कोई नहीं, इसी चीज को नहीं, नहीं, वो है, कर वो, रहा है। वो है, वो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को खोलेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आराम से अपने आप ही लिखा आता है कि ये ए ग्रेडेड है, इसको नैक का ए ग्रेड मिला हुआ है, इसको बी ग्रेड मिला हुआ है, ये उस पर लिखा ही हुआ आता है। अगर आप खोलेंगे और आपके बच्चे सर्च कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल वहीं पर दिख जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशन इस ग्रेड में। सो मैम, लास्ट में एक छोटा सा चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरे हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि जो बच्चे इस समय यूनिवर्सिटी चूज करने जा रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी चूज करते समय बेसिक किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज को चूज करते समय एक बात जो मुझे समझ में आती है कि आपका आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर बना हुआ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या कितने बड़े एरिया में वो फैला हुआ है। वो पहली बात कि वो अभी से नहीं, जो नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं तो नेचुरली वो तो अभी अभी खुले हैं तो अभी उनकी रैंकिंग हो रही है। जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने पॉपुलर रहे हैं, कैसी उनकी ग्रेडिंग रही है और कैसा, और ये सर्वे होता रहता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में कभी आ गया या इंडिया टुडे में आ गया, वो लोग ये बताते हैं कि आपका कॉलेज इस रैंक पर है या इसकी ग्रेडिंग यहाँ पहुँच गई है। तो चाहे जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ रही है या किसी, तो वो ग्रेडिंग पूरा आप ही लोग करते हैं, आप ही लोग, मीडिया ही उसको कवर करता है, मीडिया ही सर्वे करता है और वो बताता है कि अब ये इस रैंक पर पहुँच गया। तो उस रैंकिंग को देखने की बहुत ज़रूरत है पुराने इंस्टीट्यूशंस के साथ। और कभी भी अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स की तरफ मत जाइए। अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स है उनका, ठीक है, अब अंदर उसमें पढ़ाई कैसी हो रही है, कैसी फैकल्टी है, बिल्कुल उसमें पढ़ाई कैसी हो रही है, फैकल्टी कैसी है और किस तरह से वो मैनेज किया जा रहा है कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी, उसको देखिए। और पुराने इंस्टीट्यूशंस तो हमारे सभी बहुत अच्छे हैं और उनको आप बराबर कंटिन्यूस आप उसका सर्वे जो निकलता रहता है साइट्स पर उनको आप देख के आप उसमें जा सकते हैं। मैम, अभी एक प्रश्न जो है बहुत ज्यादा बच्चों के मन में रहता है, वो है डुअल डिग्री को लेकर। थोड़ी सी बात ये डुअल डिग्री को लेकर जरूर से क्लियर करें। मैं बहुत हाउ गुड इट इज, कितनी जरूरी है, बच्चों को वाकई करना चाहिए कि नहीं, या एक ही चीज पे बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना स्पेशलाइजेशन करें, जिस डिग्री को कर रहे हैं उसी पे पूरा फोकस रहे, व्हाट एक्चुअली इज गुड फॉर दैट? नहीं, अभी तो मैं आप लोगों को बताऊं कि चाहे किसी भी आप फील्ड में हैं, आपको बहुत सारे अपना अपनी एक कहना चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। किसी एक चीज़ पे फोकस करके आपको नहीं रहना चाहिए। आपको जो भी चीज़ें आसपास दिखाई दे रही हैं और जो भी लगता है कि आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको अडॉप्ट करें। तो जहाँ तक आप डुअल डिग्री की बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में तो पहले ही से था, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, लखनऊ सॉरी अपने UGC ने अभी इसको, हमारे प्रोफेसर जगदीश प्रसाद जी ने अभी इसको शुरू किया है और क्योंकि NEP में इसको इंक्लूड किया गया। इसका सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप, हाँ ये ज़रूर है कि आपको टाइम देखना है कि आप दो कोर्सेज आप एक साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि दो इंस्टीट्यूशंस है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और एक इंडिया का भी हो सकता है जी, लेकिन आपके टाइम फर्क होने चाहिए। मान लीजिए आप एक कोई क्लास साइमल्टेनियस क्लास नहीं होने चाहिए कि आप वो क्लास आप टाइम मैनेजमेंट वो आप यूनिवर्सिटी के संग आपको टाई अप करना पड़ता है कि आपका एक क्लास अगर मॉर्निंग में तो एक क्लास इवनिंग में होना चाहिए। फिर ग्रेडिंग सिस्टम जो है दोनों का अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम होगा। अगर आप एक में अच्छा करें तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे में भी अच्छा कर रहा है। कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की जब बात आती है, भाई एक बच्चा डुअल डिग्री कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन वो था कि पहले जो लोग, जो बच्चे LLB करते थे आफ्टर डूइंग BA, वो उसके साथ साथ MA के भी डाल के रख देते थे, वो उसके साथ करते थे। लेकिन बात तो वही है, बात वही है कि एक समय पे दो चीजों पर फोकस बढ़ता है, लेकिन करियर जो बनेगा वो तो एक ही पर बना पाएंगे, वो उस पे उनको जो एसोसिएटिव जो डिग्री है वो उसका कितना हेल्प करता है उसके करियर को एनहांस करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्ञान कभी भी कम नहीं होता, जितना आप ज्ञान किसी भी, जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है लेकिन मेरा मन था, अब करता है कभी करता है कि मैं एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ लूँ, कभी मन करता है साइकोलॉजी भी पढ़ लूँ, कभी मन करता है हिंदी लिटरेचर भी पढ़ लूँ। तो ज्ञान किस ज़रूरी नहीं आप एक ही चीज़ को सोच के, एक ही चीज़ के बारे में सोचें और बैठे रहें। अगर आपको ये चांस मिल रहा है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो बच्चों को क्या देखना चाहिए? उनको ये देखना चाहिए कि आप, मान लीजिए कि आप सपोज आप अभी जो आया है वो टेक्निकल एजुकेशन में नहीं आया है, जी, जी, जी। ये सिर्फ थ्योरी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आया है। तो मान लीजिए आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ने ग्रेजुएशन में आपने एक तो हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री ऑनर्स लिया है और आपने पोलिटिकल साइंस ऑनर्स भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है ये इस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है और इस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑनर्स ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है,
अगर वो यूनिवर्सिटीज अग्री करते, सबसे सारा कुछ डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे, ये पूरी प्लानिंग पॉलिसी यूनिवर्सिटी को बनानी है, उन्होंने ये फ्रीडम यूनिवर्सिटी को दी है कि आपके पास फ्रीडम है, आप ऐसा करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। डिग्री भी यूनिवर्सिटी को देनी है, तो अगर यूनिवर्सिटी ये सुविधा दे रही है कि वो हमारा बच्चा दो सब्जेक्ट्स में पढ़ सकता है और एक बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी से करेगा और एक इस यूनिवर्सिटी से करेगा, तो बच्चों को अवेल करना चाहिए। हाँ, अवेल करना चाहिए, लेकिन दिमाग में कि आगे उसके बाद उसका क्या इस्तेमाल करना है हमको, टाइम पास करने के लिए नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों से पूछते जो एमए करते हैं स्पेशली ज्योग्राफी में, उनसे पूछते हैं स्पेशली रूरल एरियाज में पूछते हैं कि भाई आप एमए ज्योग्राफी में क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि सब पता नहीं, कभी ऐसा बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि देखेंगे सोचेंगे। तो अब एमए में अगर आप आके ये कहेंगे कि हम देखेंगे और सोचेंगे, तो फिर वो आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करें जो आपको जिंदगी में पे करे। सही बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, आपने इतना समय दिया हमें, आपने इतनी खूबसूरती से अपनी बातों को रखा, एजुकेशन को कैसे करके यूनिवर्सिटीज चूज़ किया जाए, कैसे करके हम अपना स्ट्रीम चूज़ करें, प्लेटफॉर्म चूज़ करते समय वो कौन सी बातें मायने रखती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो एक्रेडिशन होती है, ये सारी बातों को हमने कोशिश किया बहुत जल्दी में एक छोटे समय में हम आपके सामने उसको संग्रहित करके आपके सामने रख सकें, समराइज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आगे भी आप हमारे ऐसे शो में आएंगे जरूर। और हमारे दर्शकों को जो है आप इसी तरीके से जो है अपने जो ज्ञान है वो उनके साथ आप मैं बच्चों को जैसे भी हेल्प कर सकूंगी करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी मैम ने समझाई बहुत ही खूबसूरती के साथ, कि जो बच्चे मैथ्स और साइंस साइड बिना अपने इंटरेस्ट से जाते हैं, यानी कि पेरेंट प्रेशर से जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक हाइट पे जाके वो रुक जाते हैं, उनका बिकॉज उनका जो रुझान है उस सब्जेक्ट के प्रति वो रहता नहीं है, वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को जैसे आगे बढ़ते वो चीज़ सक्सेसफुल होता नहीं है। तो जी हाँ, मैम ने इसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझाया, यानी कि पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुँचाया कि बच्चे अगर आर्ट्स में, कॉमर्स में या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं तो उस पैशन का सम्मान करना चाहिए माता पिता को, और उसी लाइन में उनको आगे कैसे बढ़ना है वो मार्गदर्शन भी करना चाहिए। तो जी हाँ, मैम ने यही समझाया है कि एक आर्ट, जो कि मैम जो है एक एसोसिएट प्रोफेसर है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शास्त्र में, तो भूगोल शास्त्र में भी बच्चे जो है आज किस हाइट पे पहुंच सकते वो चीज़ जो है हम लोग आज जैसे कि हम जीपीएस यूज करते हैं इससे एकदम साबित हो जाता है कि हाँ, भूगोल शास्त्र में भी बच्चा बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है और इसी लाइन में आगे चल के देश विदेश भी घूम सकते। तो जी हाँ, ये बात आज साबित हो गई कि खाली साइंस और मैथ्स के बच्चे नहीं, आर्ट्स परस्यू करके भी बच्चे बहुत आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ मैम ने हमें डुअल डिग्री, जो अभी एनईपी के तहत जो है यूजीसी ने इसको मान्यता दी है कि डुअल डिग्री आप परस्यू कर सकते, इसके लिए भी हमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप डुअल डिग्री परस्यू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से अपने इंटरेस्ट को समझिए और करियर चॉइस को देखिए कि आगे चल के आपको किस तरीके से इसमें काम मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे से कैसे एक यूनिवर्सिटी को चूज करना है उस तरीके की, उसके बारे में मैम ने बहुत ही हमें अच्छे से समझाया कि नैक, यूजीसी ने जो ये यूनिवर्सिटीज को नैक रैंकिंग दिए डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के साथ, जैसे ए बी ए प्लस ए प्लस प्लस, ये कैसे दी गई है और इसमें जो है बच्चों को किस तरीके से फायदा मिलता है इसके बारे में भी हमें आज पता चल गई। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप एक यूनिवर्सिटी हायर स्टडीज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर करियर के लिए आप चूज करते, ये आपके हाथ में है और प्रॉपर रिसर्च करके, गूगल से रिसर्च करके, वेबसाइट में जाके आप जरूर देखिए कि एक यूनिवर्सिटी को कैसे चूज करना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले हफ्ते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे और
हम फिर से आपको बता देते हैं कि हाँ, करियर काउच गुरु अब आपके शहर लखनऊ में आ चुका है। हजरतगंज में हमारा एक सेंटर ऑलरेडी है जो कि IIT JEE और नीट प्रिपरेशन के ऊपर है, और हाँ, करियर काउंसलिंग के ऊपर भी है। और उसी के साथ साथ हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट इंदिरा नगर में बहुत ही जल्द खुलने वाला है। जी हाँ, उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इस नीचे दिए गए नंबर पे और ईमेल पे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए हर रविवार रात के 9 बजे करियर काउच विद शुभांकर, ओनली ऑन Prime TV। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।